मनाली हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक ऐसी जगह जहां हर कोई आना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां मई जून की गर्मी में भी आप लोगों को स्नो देखने को मिलती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी क्या खासियत है इस जगह में और कैसे आप लोग मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो साथ मिलकर जानते हैं इस वीडियो में मनाली के बारे में। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परमॉन व्हील्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनाली के बारे में, कैसे आप लोग मनाली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो, वो सभी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मनाली एक ऐसी लोकेशन है जहां मैंने पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सभी से शेयर करूंगा कैसे आप लोग मनाली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। और एक खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, मनाली एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर सीजन में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि दिसंबर जनवरी में हैवी स्नो आपको वहां देखने को मिलती है और गर्मियों में मई जून के महीने में रोहतांग पास की सुंदरता आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी सीजन में अगर मनाली जा रहे हो तो कैसे आप लोगों को एक परफेक्ट ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्या ट्रैवल के ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्या परफेक्ट बजट रह सकता है मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए, क्या स्टेज के ऑप्शन है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको मनाली का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मनाली तक पहुंचने की। देखिए मनाली ट्रिप की स्टार्ट होती है दिल्ली या चंडीगढ़ से। अगर आप लोग किसी और सिटी से प्लान कर रहे हो तो आपको दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचना पड़ता है। दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का और वहीं चंडीगढ़ से डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर का। अगर आप लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, पूरा रूट में आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलता है और इसका रूट पड़ता है दिल्ली के बाद हरियाणा के सोनीपत पानीपत अंबाला को क्रॉस करके देन चंडीगढ़ को होते हुए। अगर आप लोग वॉल्वो बसेस से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये एक बेस्ट ऑप्शन है मनाली विजिट करने के लिए। दिल्ली से रोज शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कॉन्टिन्यूस वॉल्वो सर्विसेज आपको देखने को मिलती है जिनकी टिकट्स आप लोग ऑनलाइन रेड बस या किसी भी ऐप के थ्रू बुक करवा सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने व्हीकल से भी इस रूट पर ट्रैवल किया है, अलग अलग वॉल्वो से भी ट्रैवल किया है। अगर वॉल्वोज का सजेशन मैं आपको देना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगा डेल्टन ट्रैवल्स की 9600 मॉडल की बस है जिसमें मैंने पर्सनली ट्रैवल किया है कई बार। इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप लोग इनमें टिकट बुक करा के इजीली मनाली तक ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चंडीगढ़ से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो वॉल्वो बसेस दिल्ली से निकलती है मनाली के लिए वो चंडीगढ़ होकर जाती हैं, तो आप लोग चाहे तो चंडीगढ़ से भी अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं वॉल्वो बसेस के फेयर की। देखिए गाइज मनाली या किसी भी हिल स्टेशन पर अगर हम बात करें तो जो फेयर रहता है चाहे वो वॉल्वो बसेस का हो चाहे होटल्स का हो चाहे टैक्सी का हो फिक्स नहीं रहता, वो डिपेंड करता है सीजन टू सीजन, फ्लक्चुएट होते रहते हैं फेयर्स इनके। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए मई जून का महीना सबसे पीक टाइम रहता है मनाली के लिए, इस टाइम पर वॉल्वो बसेस के फेयर्स 1500 2000 इवन 2500 तक भी मैंने देखे हैं। दिसंबर जनवरी का महीना भी बहुत ज्यादा पीक रहता है, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पे वॉल्वो बसेस के प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर बात करें ऑफ सीजन जो कि रहता है ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल का महीना या फिर सितंबर अक्टूबर का महीना, अगर आप लोग इन महीनों में ट्रैवल करते हैं मनाली के लिए तो यही फेयर आपको देखने को मिलता है 600-700 तक। जी हाँ इतना डिफरेंस हो जाता है सीजन और ऑफ सीजन के अंदर। तो गाइस ये तो बात होगी मनाली तक पहुंचने की, अब बात करते हैं मनाली को कैसे आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए मनाली की जर्नी रहती है दिल्ली से ऑलमोस्ट 12 घंटे की, ओवरनाइट जर्नी करके आप लोग मनाली पहुंच जाएंगे। पहले दिन की शुरुआत करिएगा मनाली की लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करके, जिसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना दिन मनाली के वशिष्ठ टेम्पल से जो कि मेन मनाली मार्केट से ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ता है। एंड ये मंदिर बहुत सुंदर और बहुत पुराना मंदिर है, आपको इस टेम्पल के अंदर पूरा वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड सबसे खास बात इस टेम्पल की ये है कि आपको यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप लोग बाथ भी ले सकते हैं। के बाद आप लोग आ जाइए हडिम्बा टेम्पल की तरफ। हडिम्बा टेम्पल मनाली की वन ऑफ द मेन एंड फेमस और रिलीजियस अट्रैक्शन में से एक है। हडिम्बा टेम्पल ही वो लोकेशन है जहाँ पे फेमस ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी। हडिम्बा टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप लोग जा सकते हैं क्लब हाउस में। क्लब हाउस में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। एंड वहीं पर रिवर साइड व्यू भी है जहाँ पे आप लोग चाहे
तो रिवर साइड एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है, वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। क्लब हाउस में चिल करने के बाद आप लोग इवनिंग में पहुंच जाइए माल रोड पे। माल रोड में आप लोग पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और माल रोड के जस्ट साथ में ही आपको तिब्बतन मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कैफेज वगैरह जाना पसंद है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग मनाली माल रोड को स्किप करके, या फिर अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो मनाली माल रोड एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग चले जाइए ओल्ड मनाली की तरफ, क्योंकि ओल्ड मनाली में आपको बहुत सुंदर सुंदर रिवर साइड कैफेज देखने को मिलते हैं जहाँ की वाइब बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ओल्ड मनाली आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप लोगों को कैफे जाना पसंद है। तो ये तो होगी डे वन की बात। मनाली के अंदर डे टू आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिसु को। देखिए मनाली से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है सोलांग वैली, जहां पर आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस आती है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस यहां पर रहते हैं 3,500 रुपए, जिसके अंदर एक रोप वे इंक्लूडेड होती है कि आपको रोप वे से ऊपर जाना पड़ता है। रोप वे के चार्जेस होते हैं 720 रुपीज, जो कि 3,500 के अंदर ही इंक्लूडेड रहते हैं। सोलांग वैली में एक्टिविटीज एंजॉय करने के बाद वही रोड आगे चली जाती है अटल टनल की तरफ, जो कि 10,000 फीट की हाइट पर बनी हुई टनल है, जो कि एकदम हाईटेक टनल है। और ये पूरी रोड आती है BRO के अंडर, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर। जब आप इस रोड पर ट्रैवल करते हैं तो सीनिक ब्यूटी जो आपको देखने को मिलती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। अटल टनल क्रॉस करते ही आप लोग पहुंच जाएंगे लाहौल वैली में। लाहौल वैली के अंदर आप लोग विजिट करिएगा सिसु विलेज, जहां पे आप लोग सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल को विजिट कर सकते हैं। सिसु वाटरफॉल को विजिट करने के लिए आप लोगों को चंद्रा रिवर के ऊपर से जिप लाइनिंग करके जाना होता है, देन 800 मीटर की हाइकिंग के बाद आप लोग वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपना डे टू। इवनिंग में आप लोग मनाली अपना जो अभी स्टे लिया हुआ वहां पे वापस आ सकते हैं। सो गाइस तीसरे दिन के लिए आप लोग रखिएगा कसोल एंड मणिकरण साहिब को। जी हाँ, कुछ लोग कसोल में जाके स्टे भी करते हैं, क्योंकि कसोल फेमस है कैंपिंग वगैरह के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपना ट्रिप कैसे प्लान करना है। कुछ लोग करते हैं कि मनाली में स्टे करते हैं, मणिकरण साहिब घूम के वापस मनाली आ जाते हैं एक दिन इसी। सो गाइज ये है एक बेसिक सी आइटनरी जिसमें 3 दिन के अंदर आप लोग मनाली और आसपास की एक चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मनाली में और आसपास और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। डिपेंड करता है आप लोगों का बजट और टाइम कितना है। अगर आप लोगों के पास और भी दिन है एक्सप्लोर करने के लिए और आपका बजट भी अलाउ करता है तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप मनाली में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन आप लोग रख सकते हैं मनाली के पास ही कुल्लू नगर को एक्सप्लोर करने के लिए। कुल्लू में आप लोग रिवर राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं, कुल्लू शॉल्स बहुत फेमस है, वो आप शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे। और नगर विलेज के अंदर आप लोग नगर कैसल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे जब वी मेट मूवी का एक सॉन्ग है वो भी वहाँ पे शूट हुआ था। इसके अलग मनाली में आप लोग जोगनी वाटरफॉल ट्रैक कर सकते हैं, जो कि 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है, लेकिन ये बिल्कुल फॉरेस्ट ट्रेल में से होकर जाता है और वाटरफॉल बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जोगनी वाटरफॉल में दोपहर में 12 से 2 बजे के आसपास रेनबो भी आप लोग देख सकते हैं। जोगनी वाटरफॉल के अलावा आप लोग मनाली में सजला वाटरफॉल विजिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड ऑफ बीट वाटरफॉल है मनाली के अंदर। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बेसिक आइटनरी मैंने आपको बता दी, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मनाली जा रहे हो तो। और उससे अलग भी मैंने आपको जगह बता दी जो ऑफ बीट और आइसोलेटेड है मनाली के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्नो की, विंटर्स की, स्नो लवर्स के बारे में। जी हाँ, देखिए विंटर्स मुझे तो बहुत पसंद है एंड मैंने मनाली में स्नोफॉल बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। देखिए स्नो के केस में क्या होता है, थोड़ा सा आपको ट्रिप अपना अलग तरीके से प्लान करना होता है। जी हाँ, क्योंकि जब स्नोफॉल हो जाती है मनाली में तो सोलांग वैली अटल टनल की तरफ नॉर्मल कार्स की एंट्री अलाउ नहीं होती है, वहां पे चलती है सिर्फ 4x4 व्हीकल और जिप्सी आप लोग हायर करके वहां जा सकते हैं। एंड देखिए ये जो टाइम होता है ना दिसंबर एंड का और जनवरी और टिल फरवरी तक, जब भी स्नो पड़ती है तो अटल टनल तो मान लीजिए बंद ही कर देते हैं जब तक कि रोड कंडीशंस ठीक नहीं होती है। और सोलांग वैली में भी जब हैवी स्नोफॉल हो जाती है तो मनाली से सोलांग वैली के लिए भी आप लोग जिप्सी हायर करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के पास 4x4 व्हीकल है तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। तो स्नो के केस में थोड़ा सा ये इशू रहता है। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग वॉल्वो से ट्रैवल कर रहे हैं दिसंबर जनवरी के मंथ में एंड मनाली में उस टाइम पर स्नोफॉल हो गया है और नेशनल हाईवे के ऊपर भी स्नोफॉल है, तो भाई उस केस में क्या होता है, जो मनाली का वॉल्वो बस स्टैंड है वहां तक वॉल्वो नहीं जाती है। मनाली से 17 किलोमीटर पहले एक जगह आती है पतलीकुल, वॉल्वो वहां पे आपको ड्रॉप करती है, देन वहां से आप लोगों को शेयरिंग जिप्सी वगैरह में फिर मनाली जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप लोग विंटर्स में मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और छोटी सी ऐड करना चाहूंगा गाइज, देखिए होता क्या है, विंटर्स के टाइम में किसी भी सीजन में सिचुएशन सेम नहीं रहती है। लेट सपोज कि आज स्नोफॉल हुआ, तो
तो जो कंडीशन अगले 2 से 3 दिन में रहेगी, लाइक रोड्स में बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ किया जाएगा। 4x4 मतलब होता है जो जिप्सीज वगैरह होती है, इसमें चारों टायर के अंदर पावर होती है, जो मतलब स्नो के ऊपर गाड़ी स्किट नहीं मारती। तो जब स्नो क्लियर हो जाएगी तो नॉर्मल गाड़ी को फिर अलाउ कर देते हैं। डिपेंड करता है कि जब आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हो उस टाइम पे क्या करंट सिचुएशन है। उसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जब भी ट्रिप प्लान करें, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी करंट अपडेट होगी जब भी आप लोग ट्रिप प्लान करोगे वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जब भी आपको ट्रिप प्लान करना होगा बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। देखिए, बजट की अगर हम बात करें ना, तो बजट डिपेंड करता है कि आप लोग अपना ट्रिप कैसे प्लान कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं दिल्ली से टैक्सी बुक करा के, जो पूरा उनको घुमा के दिल्ली वापस छोड़ती है, उनका बजट अलग रहता है। कुछ लोग वोल्वो से जाते हैं, उनका बजट अलग रहता है। और सीजन टू सीजन भी बजट अलग होता है आप लोग कब ट्रैवल कर रहे हो। मैं आपको कुछ चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग सीजन के टाइम पर जा रहे हैं तो दिल्ली से जो मनाली की वोल्वो चलती है उनका आप लोग मान कर चलिए 1200 to 1500 अराउंड तो कॉस्ट पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ एक साइड की। उसके बाद होटल्स की अगर हम बात करें, देखिए अगर आप लोग जाते हैं मार्च अप्रैल के महीने में या फिर आप लोग जाते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो होटल्स आपको अच्छे होटल्स भी 1000, 1500, 2000 रुपये तक मिल जाएंगे। अगर आप लोग जाते हैं सीजन के टाइम पर, लाइक मई जून के मंथ में आप लोग जा रहे हैं, दिसंबर जनवरी में आप लोग जा रहे हैं, तो जो होटल 1500 तक आपको मिल रहा है वही आपको 4000, 5000 तक का भी लेना पड़ सकता है। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें होती हैं। तो बजट इस चीज़ से आपका डिपेंड करता है। और टैक्सी की अगर बात करें वो भी सेम ऐसा रहता है, मनाली से सोलांग वैली अटल टनल आपको घुमा देंगे कोई भी डिज़ायर वाला 2500 से 3000 रुपये में अगर ऑफ सीजन है, और सीजन के टाइम पे ही रेट्स ज़्यादा होते हैं। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज एक मनाली ट्रिप का आपको बजट बताऊँ तो वो पड़ता है, ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 8000 रुपये के आसपास आप लोग एक 3 दिन का परफेक्ट मनाली का ट्रिप प्लान कर सकते हैं अगर आप लोग वॉल्वो से जा रहे हैं तो। सो गाइज, ये तो बात हो गई बजट की। एक सबसे मेन चीज़ बहुत चल रही है, रोहतांग पास। रोहतांग पास का क्या सीन है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ स्टेज के बारे में। देखिए, अगर आप लोग मनाली विजिट कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना होटल, अपना स्टे मनाली माल रोड के आसपास ही लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप आसपास की जो जगह है ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप लोग मनाली बहुत बार जा चुके हो और आपको भीड़ भाड़ में नहीं रहना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मनाली के आसपास बहुत सारे विलेजेस बने हुए हैं। जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं शनाक विलेज में रुकता हूं, जो कि ओल्ड मनाली से 8 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वहां पे भीड़ भाड़ नहीं होती, शांति पीस रहती है। तो अगर आप लोग मनाली बहुत बार जा चुके हो तो मैं आपको बोलूंगा आप लोग किसी आइसोलेटेड जगह पर स्टे करिए। मनाली के आसपास बहुत सुंदर सुंदर गांव है, आप लोग सीथन इग्लू विलेज में जाकर स्टे कर सकते हैं। वो बहुत आइसोलेटेड है, अलग हाइट पे, वहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आता है। आप लोग वशिष्ठ टेम्पल की साइड भी रुक सकते हैं, वहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मनाली माल रोड के पास ही रुकेगा। और एक चीज़, अगर आप लोग विंटर्स में स्नो के टाइम जा रहे हो, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो, तब भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई मनाली माल रोड के पास ही स्टे लीजिएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब स्नो पड़ती है तो रोड्स के ऊपर ब्लैक आइस का इशू बहुत होता है, गाड़ियों की एंट्री अलाउड नहीं होती, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप इधर उधर कहीं स्टे लेते हो तो उसमें फंसने के चांसेस, फंसना इन द सेंस कि गाड़ी वाड़ी नहीं पहुंच पाती, बहुत दिक्कत हो जाती है, उस केस में मनाली माल रोड बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके आसपास क्या है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप स्नोफॉल भी इंजॉय कर सकते हो, और कहीं जाना है तो जिप्सी हायर कर लीजिए। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है फिर तो वो दिक्कत ही नहीं है। तो मैं पर्सनली बताऊं, जब स्नो के टाइम पे मैं खुद, स्नो जब पड़ती है विंटर्स के टाइम में जाता हूं तो मनाली माल रोड के पास ही स्टे लेता हूं। मैं रुकता हूं होटल रिवर व्यू है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहां जा सकते हैं। या होटल 1965 अगर आपको बजट ऑप्शन देखना है तो बहुत सारे हॉस्टल्स भी बने हुए हैं ओल्ड मनाली की तरफ, वहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। गर्मियों में मैं विलेजेस में रुकता हूँ। लेकिन तो गाइस, अब बात कर लेते हैं रोहतांग पास को लेकर, जो कि इन दिनों एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। देखिए, रोहतांग पास क्या है, जब मनाली से सोलांग वैली की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है बीच में पलचान, वहीं से राइट साइड में छोटा सा रास्ता कट जाता है जो कि रोहतांग पास की तरफ जाता है। एक्चुअली द थिंग इज, 2021 से पहले सोलांग वैली से आगे जो रोड अटल टनल की तरफ जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए अटल टनल जब नहीं थी, तो हमें सीसू जाने के लिए अटल टनल क्रॉस करके लाहौल वैली में रोहतांग पास से होकर जाना पड़ता था। रोहतांग पास का खुलने का टाइम रहता है मई मंथ से लेकर नवंबर तक, और विंटर्स में ड्यू टू हैवी स्नो रोहतांग पास बंद हो जाता है। तो आप ये समझिए, 2021 से पहले सीसू और लाहौल वैली विजिट करना हमारे लिए विंटर्स में इम्पॉसिबल होता था, क्योंकि रोहतांग पास बंद हो जाता था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, तो वहाँ की कनेक्टिविटी कट हो जाती थी। तो ऑल थैंक्स टू BRO, जिनकी वजह से अटल टनल बन पाई, अटल टनल का इतना बड़ा और यू नो हाई टेक कंस्ट्रक्शन हुई।
अटल टनल की वजह से अब 12 महीने लाहौल वैली के लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है। देखिए रोहतांग पास ओपन होता है मई के महीने में जब भी स्नो क्लियर हो जाती है, और ये ओपन रहता है टिल 15th of November। देखिए 15 November ऐसी कोई डेट नहीं है, नवंबर के महीने में जब भी मौसम खराब हुआ स्नो पड़ गई वो बंद हो जाएगा। बेस्ट टाइम मैं बोलूँगा रोहतांग पास विजिट करने के लिए जैसे ही ओपन हुए पहले हफ्ते पहुँच जाइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है भाई। लेकिन मई और जून के महीने में ऐसा रहता है कि स्नो भी आपको वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं पर्सनली बिल्कुल बिगनिंग में गया था और बिल्कुल टॉप तक गए थे, तब भीड़ भी नहीं थी। वीडियो में यहाँ के डाल दूंगा, आप जाके देखना, बहुत खतरनाक बर्फ थी भाई जब हम लोग रोहतांग पास गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी ओपन हो स्टार्टिंग में रोहतांग पास चले जाइए। और एक छोटा सी बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, जब भी आप लोग रोहतांग पास जाएं तो भाई मनाली से अपना दिन जल्दी शुरू करिएगा। मनाली से रोहतांग पास ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है सीजन के टाइम, स्पेशली मई जून के महीने में। तो आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 5:30 बजे अपना दिन शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग एक बार रोहतांग पहुँच जाए आराम से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने आपको मनाली की आइटनरी में सेकंड डे बताया था जिसमें सोलांग वैली अटल टनल सिसु बताया था, अगर आप लोग रोहतांग पास के टाइम पर जा रहे हैं तो आप लोग रोहतांग पास पहुंचेंगे वही रोड आगे सिसु पहुंच जाएगी, सिसु एक्सप्लोर करके आप लोग अटल टनल से होते हुए देन सोलांग घूम के आ सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग सेकंड डे जो आइटनरी का था मैंने बताया था उसमें आप रोहतांग ऐड करके वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना दिन अर्ली मॉर्निंग शुरू करना ही पड़ेगा। रोहतांग पास अगर आप लोग अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको एक ऑनलाइन परमिट निकलवाना पड़ता है जो कि 600 rupees समथिंग है, बिकॉज कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स को ही एक दिन के अंदर रोहतांग पास की तरफ जाने के लिए अलाउ किया जाता है। और अगर आप लोग टैक्सी से रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं मनाली से टैक्सी आपको मिल जाएगी, उसका फेयर रहता है 5,000-6,000 rupees अराउंड, जिप्सीज का अलग रहता है। तो गाइज ये थी रोहतांग पास के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें मनाली से रिलेटेड, मनाली ट्रिप से रिलेटेड इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। अगर कुछ भी मिस हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो भी मुझसे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने मनाली ट्रिप एक अच्छा और मेमोरेबल बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रखते हैं, मनाली के बारे में जो डिटेल्स थी वो मैंने आप सभी से बता दी हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, ट्रैवल करते रहिए, और इस विंटर सीजन में मनाली और आसपास की जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड आई होप कि आप लोग भी जल्दी से मनाली ट्रिप प्लान करें और एक अच्छा और मेमोरेबल ट्रिप बनाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।